Awesome. सरस, यानी तुमने इस पे लाइक ठोक दिया। I know this guy, अविनाश। एक बिजनेस लीडर होके भी इंटरनेशनल फैशन शोज में रैंप वॉक करता है। इसका स्टाइल, इसकी वॉक, ओह माय गॉड, हमारी कॉलेज की हर लड़की इसकी फैन है। बिटिया, इसमें उसके डिटेल्स हैं। उसे कॉल कर, फिर दोनों मिलो जुलो, डांडिया और गरबा खेलो। हाय पूजा। ओह, यू हैव माय नंबर? या, लाइक यू हैव माइन। डैड ने नंबर दिया। सो इंडिया कब आ रहे हो? मैं क्यों, तुम एक दिन के लिए अबू धाबी आ जाओ। व्हाट? मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ो, शाम को रिटर्न हो जाना। यहाँ 3 नए मॉल्स खुले हैं, अगर मैं पसंद नहीं आया तो उन मॉल्स में शॉपिंग कर लेना। सिंपल। साउंड्स गुड, आई विल सी यू देन। कम सून, आई एम वेटिंग। हैप्पी जर्नी। Hi. Hey, what a surprise. Welcome, Pooja. Thank you so much. Pleasure is mine. Looking pretty. I like your taste in brands. Lot of fun. Pooja, ये अबू धाबी की सबसे बड़ी कॉफी शॉप है। It's amazing. This is the coolest place to hang out. I really love this place. So, दिन कैसा रहा? दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। Please have a seat. Thank you. मुझे तो बहुत मजा आया, but तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ना। I'm sorry. Definitely not. इंसान फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। I am impressed. पापा की पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। Feeling the same. मुझे पसंद आए ये काफी नहीं है, अगर मॉम हाँ कह दे तो। How sweet. आंटी से कब मिल सकती हूँ? उनसे नहीं मिल सकती, उसकी एक वजह है, 20 साल पहले वो गुजर गई। ओह। लेकिन हर रोज उनसे बातें करता हूँ। हाँ माई। अरे माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। आपकी होने वाली बहुरिया है तो आप फैमिली मेंबर हुई ना, इसीलिए तो बताए रहे। हीरोइन है ना। अच्छा अम्मा, बाद में बात करते हैं। वो एक्चुअली। ओके ओके, गो गो गो, यू कैन गो नाउ। हाँ अम्मा, बोला। ठीक बा अम्मा, ठीक बा। मेरी मॉम बिहार से थी। तुम भी मॉम को हाय बोलो। हा? वो देखो मॉम तुमको देख रही है। हाय, हेलो। ए माई, सुन ली की ना? रुक क्यों गई, बात करो ना। हाय, आई एम पूजा। पूजा। हेलो हेलो। यस, थैंक्स मॉम, तुम मॉम को पसंद आई। कांग्रेट्स। हां, प्लीज प्लीज हैव अ सैंडविच, इट्स अ टेस्टी सैंडविच, प्लीज हैव सम, कम ऑन। हाय, अभी शॉपिंग की थी ना? हाँ, तुम्हें बैक्टीरिया होंगे ना। हाँ, बैक्टीरिया आंख से दिखाई नहीं देते पर होते हैं, मॉम ने बताया था। सॉरी माई, सॉरी। हाथ आगे लाओ, दोनों हाथ। वॉश वॉश, पूरा पूरा रगड़ के मार डाल। अब खाओ ना, प्लीज। नाइस सैंडविच, प्लीज हैव इट। वन सेकेंड। या। पूजा, जब दूल्हा ये दुल्हन के हाथ में बांध रहा था तो ये नीचे देवी के चरणों में गिरा। मैं पुजारी के नजरों से बचा कर लिया है। इसे बांध कर रखना, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो, तुम्हें सेफ रखेगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। चिंता मत कर माई, ये पहली बार है, अगली बार धोखे खाए। इसके अंदर कंचना रिटन आ गया है। लेट्स वॉक। सॉरी पूजा, मॉम से बात कर रहा था ना, इसलिए लेट हो गया। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट भी ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। ओह थैंक गॉड। व्हाट? आई मीन थैंक्स अ लॉट। ओह ओके, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके फाइन, हैप्पी जर्नी, नाइस मीटिंग यू। जर्म्स, बैक्टीरिया। बहुत जल्दी सीख गई। प्लीज कम, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा।
मैं अत्यंत अद्भुत हूँ। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। I love brands. एक आदमी के ब्रांड को देख के उसके टेस्ट और कैरेक्टर का पता लग जाता है। एकदम बकवास। हर कंपनी का दावा है कि उसका ही ब्रांड बेस्ट है, लेकिन अच्छे लोग ही उनका ब्रांड खरीदेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रांड से इंसान की पहचान करना गलत है। हो सके तो खुद को ही एक ब्रांड बना दो। शायद मैं तुम्हें प्लेन में ना घुमा सकूं, लेकिन मेरा कंधा पकड़कर मेरी बाइक पे बैठोगी तो मेरा पूरा गांव घुमाऊंगा तुम्हें। जोयू ने पहले तो इसने बोला ऑसम, सिंगम और अब पानी कम, ये क्या पूजा? उससे मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा। कोई तुम्हारे कितना करीब होता है उससे दूर रह के ही पता चलता है। ये बता, पंडित तेरे से दूर है या करीब है? जब वो पास था तो मैं उससे दूर थी, आज दूर रहकर करीब हो गई हूँ। तुम उस शास्त्री को मिलने से पहले शाणी थी, पर अविनाश को मिलकर गांडी हो गई। तमी शांति रखो। उसका कोई धंधा पानी है क्या? नहीं, उसका अपना खुद का बिजनेस है। मुझे ऐसा ही जमाई चाहिए था। क्या बिजनेस है? अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज, प्योर वेजिटेरियन। यानी बावर्ची है, खमन ढोकला बनाता है। पापा, आपके कहने पर मैं अविनाश से मिलने दुबई गई, अब मेरे कहने पर आपको पंडित से मिलना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? आपके फ्रेंड को जाके बोल देना कि उनका बेटा एक सर्टिफाइड पागल है। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता, वो देखो सामने ही तो है। थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित। थोड़ा अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे माल गाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम चार जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या, मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो, तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है, तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप? उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है, तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है, ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है, ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा,
तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैबुलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताकने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुछ इक्कू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है। लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगु इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है, मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठे की जिद करने लगे, अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ ली गया हूँ तो भी डांट रहे, तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा। अंकल मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे, बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी, ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? अंकल अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए, आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी, जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है, चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं नहीं तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा, हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो दो लोगों का और बना लेंगे। हाँ। क्यों दीदी हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट, 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ, कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अभी बनाती हूँ बेटा, वो अमरीका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उसे नहीं तुझे देख के झेलूंगी, चलेगा ना? मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट जो, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले, एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं वो बात तो हुई थी लेकिन ये अब... यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तो जैसे कद्दू का बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा, चल गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करे मेरे घर में इसी बात। भगवान, ए भगवान।
याद रखना माँ के आंचल में पूरा संसार होता है. यू नो मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ. मॉर्निंग सर. डीजे डिजाइनर जगदीश. ओ या 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 या. हेलो सर. पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना. यस सर. वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो. सिंपल सर. पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं फिर उसका स्केच बना देते हैं. मेरा स्केच बनाओगे. आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था. यू आर फिनिश्ड. व्हाट. मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है. आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं. ये रहे कुछ स्केचेस. वाओ वंडरफुल. हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर. दे आर वेरी पावरफुल. अच्छी अच्छी तरह वॉश कीजिए. बैक साइड पर भी फिंगर्स के बीच में रगड़िए. हाँ अच्छी तरह. तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं. मॉम का भी अप्रूवल चाहिए. अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ. अच्छी बात है. मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ. मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं. ओके सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए. हो बाबा. हो सॉरी बाबा. हाँ माला 3 दिवस जाना. हेंचे शॉपिंग कराई चाहिए स्टाइलिंग कराई चाहिए. बिजी शेड्यूल है यू नो. और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं. सो क्यूट. काय. हाँ श्योर. हाँ हाय कह रहे हैं. अच्छा मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं. कैसा है अंकल. हेलो मैं अविनाश. बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा. हाँ बाबा बाबा वॉइस ब्रेक. बाबा हाँ 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 तो नेटवर्क मिलता है. ओके कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे. उनका नाम पूछ रहे हैं. पूर्णिमा. रॉयल पूर्णिमा. वहाँ लाखों आत्माएं होंगी. आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा. आईडी कार्ड आत्मा का. यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है. ओ, ओ मम्मी ओल्ड फैशन है. आई कार्ड नहीं रखती है. कैसे जीती होंगी. मुश्किल कैसी. मर चुकी है ना. आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा. राइट. शॉपिंग पर चलें. ज्यादा टाइम नहीं है. या श्योर. This is the biggest mall here. Kaisa hai? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. Hello? कहाँ है? तू आने वाला था ना? कहाँ रह गया? कल जा रहा हूँ मैं. 900 करोड़ का मामला है. अगर कोई मैसअप किया ना तो. ठीक है. Okay. Come. Let's move. हाँ माई. हाँ बाबा. शॉपिंग कर रहे हैं माई. शॉपिंग करते हो बाबा. एम आई डिस्टर्बिंग. नो 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 नो. कैरी ऑन कैरी ऑन. सात साल का था जब माँ चल बसी. एक आया नेपाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी. माँ के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया. जूते से मारना चाहिए था. उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता. सजा देने वाले हम कौन होते हैं. ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया. फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर. ठीक किया ना. ऑफ कोर्स. मैंने भी अपने पापा को मारा है. क्या. हाँ सर. बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई. मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे. सारा बोझ मेरे सर पे आ गया. सारा बोझ मेरे सर पे आ गया. रोज वही कह के पकाते थे और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और मां के पास भेज दिया. मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या. मेरा मजाक बना रहा है तू. पापा से नफरत करता है और मां से प्यार. तो मेरी तरह मां से बात करना. पापा से क्या बात करता है. मेरी मां मुझसे नाराज है सर. वो किस लिए. पापा को मारा ना इसलिए. तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं. क्योंकि पापा बहुत खुश है सर. वो किस लिए. उन्हें मां के पास भेजा ना. बात में तो लॉजिक है. तो सारा मामला ये है.